नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, ये ऐसा लालच है जो कभी खत्म नहीं होता। समस्या और बड़ी तब हो जाती है जब इनकी रखवाली को लगाए गए ही इन पर गलत नजर डालना शुरू कर देते हैं। नतीजा, आपके साथ धोखा। जी हां, राजस्थान के नगर निकायों में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां नेताओं का जमीन प्रेम सर चढ़कर बोल रहा है और खामियाजा भुगत रही है जनता। बड़ी विडंबना यह है कि सरकार आंखें मूंदे बैठी है और जिम्मेदार दगाबाजी कर रहे हैं। देखिए, जमीन घोटालों की पोल खोलती पत्रिका की ये खास रिपोर्ट। धोखेबाज निकले प्रदेश में जिम्मेदार, बेच दिए सड़क तालाब, पर चुप है सरकार। दिखाया सब्ज बाग, पर लगाया झूठ का अंबार। किसके भरोसे लाल, कौन करेगा जन सरोकार। नेता कर रहे जमीन घोटाले से स्वप्न साकार, लापरवाही कर रहे जिम्मेदार, कब जागोगे सरकार। पत्रिका पड़ताल से हुआ हेराफेरी का सच उजागर, ये है पत्रिका रीडर्स फेस्ट। भूमाफियाओं के बाद नेताओं के नाम जमीन घोटालों से जुड़ते जा रहे हैं। सड़क तालाब से लेकर अन्य बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा करने से लेकर उसे बेचने तक की करतूत की गई है। प्रदेश भर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां नगरीय निकायों के मुखिया कब्जा करते गए। स्वायत्त शासन विभाग की जांच में ये साफ भी हुआ है कि नेताओं ने पद पर रहते हुए जमीन के जरिए खेल किया। पत्रिका ने ऐसे मामले खंगाले तो परेशान करने वाले हालात सामने आए। भले ही विभाग ने शिकायत के आधार पर इन्हें निलंबित कर कुर्सी छीन ली हो, लेकिन दूसरे निकायों में खुद के स्तर पर जांच नहीं की गई है। केस नंबर 1, तालाब की जमीन पर काटी अवैध कॉलोनी। नगर परिषद झालावाड़ में सभापति, जो कि अब निलंबित हो चुके हैं, संजय शुक्ला पर तालाब भूमि पर कब्जा और वहां अवैध कॉलोनी सृजित करने का आरोप है। इसके अलावा खसरा संख्या 1598 पर अनाधिकृत तरीके से सड़क बनाने, खसरा संख्या 1530 पर अतिक्रमण कर सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण किया गया। वहीं खातेदारों के साथ खसरा संख्या 1531 से 1537 में अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियां विकसित की गई। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए, कलेक्टर स्तर पर भी जांच की गई। स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। तालाब बेचे की जमीन को लेकर 2 बार निलंबित किया जा चुका है। केस 2, सड़क भूमि का कर दिया आवंटन। नगरपालिका रायसिंह नगर के अध्यक्ष मनीष कौशल भी जमीन के मामले में घिरे हैं। वे सड़क की भूमि को आवंटन करने से नहीं चुके। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जिस खासा भूमि का आवंटन किया गया, वो सड़क हिस्से की जमीन है। जांच में आरोप सही पाए गए, निलंबन आदेश में अंकित है। कौशल ने भूमाफियाओं से मिलकर अवैध कॉलोनी काटी, राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। इस वर्ष 12 मई को निलंबित किया गया। निकाय उपाध्यक्ष ने इस मामले में शिकायत की थी। केसरी, पालिका की जमीन पर काबिज, फिर बनाए दुकान। नगरपालिका पुष्कर के अध्यक्ष कमल पाठक पर आरोप है कि उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के पास पालिका स्वामित्व की खसरा संख्या 205 पर शिव मंदिर के समानांतर अवैध रूप से 3 शेड नुमा दुकान का निर्माण करवाया, यहाँ तक कि संचालन भी किया जाता रहा। साथ ही बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर संस्थागत से व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन और नक्शा स्वीकृत कराए बिना अवैध रूप से दुकान का निर्माण करवाया गया। प्रारंभिक जांच में यह सही पाया गया। उस वर्ष 9 जून को निलंबन आदेश हुए। फैक्ट 5, 34 मामले सामने आए जिसमें पार्षद अधीक्षकों पर आरोप लगे। 6 सभापति अध्यक्ष निलंबित हो चुके हैं जमीन और पट्टा मामले में। 2 ने कोर्ट से स्टे लिया और हुए बहाल। आंका 0, अभी तक नहीं हुई किसी को भी सजा। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर जनता की आवाज बनने के लिए पत्रिका हमेशा अग्रणी रहा है। उम्मीद करते हैं इस पड़ताल से जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी और वो समझेंगे आपके हक की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।